राहुल गांधी अपने भाषणों में लगातार बीजेपी और संघ पर आक्रामक प्रहार करते हैं, लेकिन राहुल गांधी इस बार घिरते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने आरएसएस के स्कूलों में दी जा रही शिक्षा पर सवाल उठाया तो सरस्वती शिशु मंदिर की एक छात्रा ने देखिए कैसे राहुल गांधी को करारा जवाब दिया। वंदे मातरम, मैं हिमाद्री गोस्वामी सरस्वती विद्या मंदिर की पूर्व छात्रा हूँ। राहुल गांधी जी ने हमारे विद्यालयों की तुलना पाकिस्तान के मदरसों से की है। वे मदरसे जो कि ऐसी विध्वंसक शक्तियों का निर्माण करते हैं जो पूरे विश्व में अशांति का कारण बने हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपके इस बयान ने देश के लाखों परिवारों की भावनाओं को आहत किया है। और हाँ, एक चीज़ नोट कीजिए कि ये सिर्फ हिंदू परिवार नहीं है, इसमें 80,000 मुस्लिम और ईसाई छात्र छात्राओं के परिवार भी शामिल हैं। अब यदि आपने तुलना की ही है तो एक तुलनात्मक अध्ययन निश्चित ही आपको करना चाहिए और उसके लिए सामग्री मैं आपको देती हूँ। हमारे जो गौरव है मैं उनके नाम लेना चाहूँगी, फेहरिस्त लंबी है, कुछ के नाम लेती हूँ। स्क्वाड्रन लीडर दीपक चौहान, राफेल आने की खुशी आपको भी होनी ही चाहिए। राफेल को देश में लेकर आने वालों में एक ये भी थे। कर्नल बी संतोष बाबू, सीमा पर खड़े होकर देश की रक्षा करने वालों में एक नाम ये भी है। और शिशु मंदिर के ऐसे कई नाम उस लिस्ट में हैं। नवदीप सैनी, अपर्णा सिंह, विपिन कुमार, दीपक यादव, तरुण ढिल्लो, सुधा सिंह, ये ऐसे नाम हैं जो कि खेल जगत में देश का नाम रोशन कर रहे हैं और ये शिशु मंदिर से निकले हुए छात्र हैं। श्री ओपी गल्होत्रा, राजस्थान के पूर्व डीजीपी, प्रशासन में ये एक नाम है, ऐसे अनेकों नाम भी हैं। प्रोफेसर योगेश सिंह, वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, शिक्षा, विज्ञान, खेल, प्रशासन, हर क्षेत्र में शिशु मंदिर के लोग, शिशु मंदिर के छात्र छात्राएं शिशु मंदिर का नाम रोशन कर रहे हैं और देश को और प्रतिभा संपन्न बना रहे हैं। अब मैं आपसे दो अपेक्षाएं करती हूँ। पहला, मैं एक नाम ऐसा चाहती हूँ जो कि शिशु मंदिर के छात्र का नाम है और जिसने राष्ट्र की एकता और अखंडता को आहत करने का कोई कार्य किया है। और दूसरी अपेक्षा नहीं, शिशु मंदिर का की पूर्व छात्रा होने के नाते मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि देश के किसी भी शिशु मंदिर में किसी भी समय जाइए, बिना सूचना के जाइए और वहाँ अवलोकन कीजिए कि हमारे आचार्य दीदी कैसे छात्र छात्राओं का, कैसे भारतीय नागरिकों का निर्माण करते हैं। जब हम हमारे विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो हमारी प्रार्थना होती है ओम देव शांति। जब हम मध्यान्ह भोजन करते हैं तब हमारी प्रार्थना होती है सहना अववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। जब हम हमारे विद्यालय को छोड़ते हैं तब हम प्रार्थना करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यानी दिन की शुरुआत से लेकर और समापन तक हम सिर्फ विश्व शांति की संकल्पना के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आप बताइए, जो आप हमें मानते हैं हम वो कैसे हो सकते हैं? क्योंकि आपने हमारे विद्यालय की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ कि जल्द से जल्द आप क्षमा मांगें और अपने बयान को वापस लें। वंदे मातरम। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक जरूर करें। जुड़े रहिए देश और दुनिया की ऐसी ही अलग अलग खबरों के लिए न्यूज़ टाइम्स 24 के साथ।